हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अब जो सुशांत केस है उसमें एसआईटी की टीम करेगी मुंबई पुलिस से पूछताछ, सबको जाना पड़ सकता है जेल। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो लगातार पेचीदा होता जा रहा है और जो पुलिस वाले हैं वो भी सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी तरह से जांच पड़ताल करके कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आपको बता दें, अब एसआईटी की टीम गठित की जा रही है ताकि सुशांत सिंह राजपूत केस को और अच्छे से देखा जाए, ताकि इस केस की अच्छे से तलाशी ली जाए। आपको पता होगा सुशांत केस में सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर सवाल उठे तो वो पुलिस वाले ही थे। पुलिस वालों को करप्ट तक बता दिया गया था और पुलिस वालों की जाँच पर भी सवाल उठे थे। जनता ने सीबीआई के जोर शोर से मांग की थी, तब जाकर सुशांत केस में सीबीआई की टीम की एंट्री हुई थी। लेकिन अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस वालों की भूमिका को काफ़ी संदिग्ध बताया जा रहा है। हालांकि इसके पूरी तरह से कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आरोप लगे हैं, ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जो सीबीआई की टीम है वो भी आगे चलकर पुलिस वालों से पूछताछ कर सकती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और ये पता किया जा सके कि पुलिस वालों को क्या क्या सबूत मिले थे और साथ ही साथ क्या किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। अब जब हमारी जांच एजेंसियां दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी तो हमें पूरा विश्वास है कि जो सीबीआई की टीम है वो सुशांत के केस को बहुत ही आसानी से सुलझा देगी। तो आप सभी यहां पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी, जब इतना लंबा समय हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को अभी भी न्याय मिल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।